गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिर से ऑनलाइन क्विज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्विज में मैं बोली थी कि अगले क्लास में मैं साइंस में ऑनलाइन क्विज लेकर आपके लिए आऊंगी, तो आ चुकी हूँ और आप सभी बच्चे देख रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि मैं क्या पूछ रही हूँ। पहले क्वेश्चन में आपको बॉडी पार्ट्स के नाम बताने हैं। यहाँ पे आप देखिए कि एक बच्चे की तस्वीर है और उसमें एरो बना हुआ है और नंबर डाला हुआ है। इसमें इस वर्कशीट में आपको ध्यान से पूरे बॉडी पार्ट्स को देखना है और उनका नाम इंग्लिश में लिखना है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही इजी है आपके क्लास के हिसाब से और आप बहुत आराम से कर लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा वर्कशीट दिखाती हूँ और उस वर्कशीट में आपको क्या करना है ये भी बताती हूँ। दूसरा वाला वर्कशीट आपके सामने है और आप लोग देखिए स्क्रीन पे कि इसमें आपको प्लांट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में पांच बातें बताई गई हैं, उसमें आपको समझ के उन बातों को समझ के ये बताना है कि जो बातें बताई गई हैं वो सही है या गलत, यानी कि ट्रू है कि फॉल्स। तो पहले जो है उसको मैं पढ़ देती हूँ और उसका हिंदी भी आपको करके बता देती हूँ। देयर आर सम प्लांट्स इन दिस वर्ल्ड डेट आर कार्निवोरस। दुनिया में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। दूसरा, प्लांट्स गेट देयर कलर फ्रॉम ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पौधों को उनका रंग क्लोरोफिल नाम के एक पिगमेंट से मिलता है। थर्ड, ह्यूमंस मेक फूड फॉर प्लांट्स। पौधों के लिए खाना मानव बनाते हैं, यानी कि पौधों के लिए खाना इंसान द्वारा बनाया जाता है। फोर्थ, प्लांट्स डैट ग्रो एंड लिव अंडर वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि जो पौधे पानी के अंदर उगते और रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। फिफ्थ, प्लांट्स ग्रो ऑन कॉन्क्रीट। पौधे कॉन्क्रीट पर उगते हैं, यानी कि कॉन्क्रीट का मतलब हुआ वैसा फ्लोर, वैसी जमीन जो कि ईंट गिट्टी पत्थर आदि से बनाए जाते हैं। पौधे कंक्रीट पर उगते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको ये पांचों जो बातें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक प्लांट का फोटो दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है। इसमें आपको प्लांट्स के जितने मुख्य भाग होते हैं, आप पढ़े होंगे कि प्लांट्स के पांच मुख्य भाग होते हैं, उन पांचों मुख्य भाग को आपको उस बॉक्स में फिल करना है, लिखना है इंग्लिश में। और ये सारे क्वेश्चन जो आपको दोनों वर्कशीट में पूछे गए हैं आप उनको अच्छा से समझ गए होंगे। आप उनको पूरा कीजिएगा और इसे करके आप मेरे नंबर पे चेक करने के लिए मुझे भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगले ऑनलाइन क्विज में मैं हिंदी सब्जेक्ट से कुछ वर्कशीट लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बच्चों।